मौसम के रौद्र रूप ने ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी इलाके को झकझोर कर रख दिया। वहां कहीं बर्फबारी ने बेहाल किया तो कहीं तेज हवाओं और भारी बारिश ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य विक्टोरिया में 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया। वहां ऐसी झमाझम बारिश हुई कि पानी हर लक्ष्मण रेखा लांघते हुए चारों तरफ उथल पुथल मचाने लगा। पानी से भरी सड़कों पर कारों ने दम तोड़ दिया तो लोगों ने नावें निकाली। बारिश के साथ 119 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़े हवाओं ने भी खूब उत्पात मचाया। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न में दर्जनों पेड़ उखड़ गए। बिजली की तारों पर गिरकर उन्होंने राज्य के 2 लाख से ज्यादा घरों की बत्ती गुल कर दी। वहीं विक्टोरिया के पड़ोसी राज्य न्यू साउथ वेल्स में तो बर्फबारी शुरू हो गई। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में ये सर्दी का ही मौसम है, लेकिन जून में इतनी बर्फबारी से राज्य के सिडनी शहर में तो सर्दी का 37 साल का रिकॉर्ड तक टूट गया।